आपको नहीं बता सकता कि वहां पर जन्म है ही नहीं, कि हमने कृष्ण को जन्म होते हुए देखा ये नहीं कह सकता है। कृष्ण तो अनादि काल से वहां पर विराजमान है, इसलिए जन्म लीला भौम वृंदावन में है, गोलोक वृंदावन में नहीं। एक बात, इसी तरह से असुर वध ये भौम वृंदावन में है, पृथ्वी के ऊपर दैत्यों का भार था, गोलोक के ऊपर दैत्यों का भार थोड़ी था। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ में ले जाकर के क्षीर समुद्र पर विष्णु भगवान से प्रार्थना की, पर तो गोलोक में कोई कंस का जरासंध का भार थोड़ी था, इसलिए असुर वध की लीला यहां है वहां नहीं। तीसरी, गमनागमन, कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारका गए, द्वारका से लौट करके ब्रज में आए, ये जो लीला है ये इस वृंदावन की है, भौम वृंदावन की है, वो लीला श्री गोलोक वृंदावन की नहीं है। गोलोक में तो नित्य विहार है, नित्य विहार हो रहा है, नित्य आनंद है, परंतु इन तीनों लीलाओं का अनुसंधान गोलोक वासियों को भी है, और कभी कभी केवल अनुसंधान ही नहीं, जैसे वे कह देंगे कि कृष्ण कंसारी है, कृष्ण को ने कंस को मारा, ये गोलोक वासी ने गोलोक में कभी नहीं देखा, गोलोक में कंस था ही नहीं, मारने मारेंगे काय को, कंस तो पृथ्वी पर था, पृथ्वी पर उसको मारा गया। परंतु कंसारी बकारी अघारी इन लीलाओं का अनुसंधान गोलोक वासियों को भी है। आज कृष्ण का जन्मदिन है, ये महोत्सव गोलोक में भी विद्यमान है। आज बड़ो दिन आयो हो, बाज बाजे ने मधुरला, श्री किशोरी जी के जन्मदिन के ऊपर सारी सखी गोलोक में कह रही है कि आज किशोरी जी आपका जन्मदिन है, अरे गोलोक के मृदुला, अरे नगारे तू अपने आप बज उठ, बज उठ, तो गोलोक में कोई चीज जड़ तो है नहीं, वहां पर तो सब चीज चेतन है, अतः बाज बाज रे बजाओ बजाओ ये नहीं कहा, बाज बाज रे बज उठ बज उठ, क्योंकि वो सब चेतन है, अपने आप ही बच जाएंगे। प्राणी बजाए नहीं जाएंगे बल्कि बच भी जाएंगे, तो बाज बाज रे मृदुला, इस तरह से अभी भी वहां पर तो अनुसंधान है जन्म का, अनुसंधान है असुर वध की लीला का, अनुसंधान है कि कृष्ण कभी गए थे और लौट करके आए थे, परंतु तो जाते हुए नहीं देखा, आते हुए भी नहीं देखा, परंतु तो जो भौम वृंदावन का अनुसंधान है उसको गोलोकवासी भी करती है, ये तीनों लीलाओं का अनुसंधान है। इस अनुसंधान को कभी कभी लीला शक्ति साक्षात रूप में दिखाने के लिए भी एक चमत्कार करती है, ये चमत्कार है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक चमत्कार है, ये केवल एक भ्रम के रूप में ये कुछ देर के लिए एक जादू एक मैजिक की तरह से ये लीला सामने आएगी और फिर समाप्त हो जाएगी। श्री गोलोक में ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वहां पर असुरों की खिलौने रखे हुए हैं कहीं किसी स्टोर में, और कभी कोई चमत्कार करना है तो लीला शक्ति क्या करती है कि खिलौने में चाबी भरी और उस खिलौने को प्रस्तुत कर दिया, और उस खिलौने को लेकर के पूरे गोकुल में बड़ा भारी धुआं धाम हो जाए और दौड़ भाग और ये हो गया, और कहीं कृष्ण काली हृदय में कूद गए हैं और हाय क्या होगा क्या होगा, ये लीला शक्ति करके भी चमत्कार उत्सव उत्पन्न करने के लिए, ये महोत्सव उत्पन्न करने के लिए ऐसी एक योजना कहीं कर देती है। काली नाम का जो कि खिलौना था उसमें चाबी भर के उसको एक्टिवेट कर दिया, कहीं वो कहीं उसको कहीं वो क्रियाशील हो गया है, एमिनेट उसको कहीं वो एमिनेशन करके उसको एमिनेट कर दिया गया, उसको क्रियाशील कर दिया गया, कुछ देर के लिए वो क्रियाशील रहा, उसे फिर कृष्ण उसके खिलौने के साथ में वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो सच्चा है, और उसका व्यवहार करके वो फिर चरणों में प्रणाम कर रहा है, और फिर उस खिलौने को कहा तू भाग जा, और वो
बोलना चाहकर कि दोबारा स्टोर में बंद हो। ये इस प्रकार की लीला का अनुसंधान भी है और कभी कभी लीला शक्ति विशेष रूप से दर्शन भी कराती है। यद्यपि लीला गोलोक की नहीं है, पांत भौम लीलाओं का कहीं मंचन, भौम लीलाओं का कहीं प्रस्तुतिकरण वहां पर कर दिया जाता है। और एनिमेशन में जैसे कोई चीज, जैसे एक चित्र, वही एनिमेशन में जैसे क्रियाशील होकर के दिख जाता है, इसी तरह से एनिमेशन की तरह से एक चित्रांकन की, चित्र दृश्य की तरह से वो उस लीला का दर्शन कराती है। तो यहां पर वो ही निरूपण कर रहे हैं कि बाल का स्तरणा को वास्ते कोटि कोटि सर्वे विदुर महाप्रयाण अहम कृष्ण से लेकर है। एक सिद्धांत निरूपण कर रहे हैं कि सब लोग ये मानते हैं कि मैं ही कृष्ण का सबसे ज्यादा प्यारा हूं। ये प्रेम का एक स्वभाव कि एक आश्चर्य की बात कह रहा हूं कि सब लोगों को बाल वृद्ध करोड़ों करोड़ों में, परंतु सबको ये लगता है मैं सबसे ज्यादा प्यारा हूं। तथैव व्यवहारों की तेषां कृष्णे सदेक्षते, सदा श्री कृष्ण भी उनके साथ में वैसा व्यवहार ही करते हैं। उनको ये लगता है मुझसे ज्यादा प्रीति है, सबों से ज्यादा प्रिय प्यारा मैं ही हूं और किसी से उतनी प्रीति नहीं है जितनी मुझसे है। प्रत्येकम तेषु तस्यापि विशुद्ध साद्रगेव ही, इनमें प्रत्येक इसी प्रकार के व्यवहार को धारण करके विराजमान है। परंतु तथापि तृप्ति कस्यापि नैवो देत कदाचनो, परंतु किसी को भी तृप्ति कभी भी नहीं है। प्रेम तृष्णाच विविधा दैन्यम दैन्य माता विवर्धते, आज प्रेम तृष्णा जो है वो दैन्यम अतो विवर्धते, दैन्य को ही बहाने वाली है। तथापि तृष्णि कस्यापि नैवो, किसी को भी तृप्ति नहीं होती है, उदेति माने उदित नहीं होती है तृप्ति। प्रेम तृष्णा, उनकी प्रेम तृष्णा बढ़ती है और उस प्रेम तृष्णा के कारण कभी कभी लीला शक्ति उनमें दैन्य उत्पन्न कर देती है। गोपीशु सदा दासु प्रत्येकम कोटि कोशिशु पराप्रीति कृपा शक्ति ही अतिसात तस्य वीक्षते, अब गोपियों में करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं, परंतु गोपियों में पराशक्ति कृपा शक्ति श्री कृष्ण के प्रति परम आसक्ति है उन गोपियों में, और कृपा जो है वो भी गोपियों के प्रति सबसे अधिक श्री कृष्ण की दिखती है। जया युक्त शतय व्यक्त मादृशय अनुमद्यते, अब प्रत्येक को ये लग रहा है कि मुझसे ज्यादा प्रेम है, तो उस समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण भी वो ढूंढ लेता है क्यों प्रेम कर रहे हैं, बोले इस कारण से प्रेम किया हो, तो कोई ना कोई कारण भी ढूंढ लेते हैं। तो युक्ति शतय, ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम निष्कारण होता है परंतु उसमें कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया जाता है। जैसे श्री राधिका कृष्ण का प्रेम वो है निष्कारण, परंतु तो बना लिया गया क्या कि अभियोगात, यानी जी अभियोग माने दूती ने कृष्ण के गुणों का गायन किया इसलिए राधा का कृष्ण से प्रेम हुआ, पर सब कहने सुनने की बात गलत। राधा कृष्ण का प्रेम दूती के कारण नहीं हुआ है, लीला में ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे दूती के वर्णन के कारण प्रीति हुई। अभियोगात विषयता कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको सुनकर के श्री राधिका में प्रीति उत्पन्न हुई, गलत, ये कारण नहीं है, परंतु लीला में इनका खूब वर्णन किया जाए। अभियोगात विषयता, फिर तीसरी चीज आई अभियोगात विषयता संबंधा, संबंध के कारण प्रीति है, एक गांव की रहने वाली है इसलिए प्रीति है, परंतु गलत, इनकी प्रीति स्वाभाविक है, गांव में रहने के कारण, निकट रहने के कारण प्रीति बन गई हो सो बात नहीं। अभियोगात विषयता संबंधात अभिमानतः, अभिमान के कारण प्रीति बन गई हो सो बात भी नहीं है कि
यशोदा की धाय है मुखरा और श्री राधा रानी की भी नानी है मुखरा, इसलिए कहीं संबंध है, ये भी सब कहने सुनने की बात ना, ये मुख्य बात नहीं है, अभिमान भी कारण नहीं है। सात तत्त्व विशेषत्व, कभी कृष्ण की माला मिल गई, कृष्ण का मयूर मुकुट मिल गया, उसको सुनकर के प्रेम हो गया, ये लीला दिखाने के लिए है, परंतु ये मूल कारण नहीं है। तो सात तत्त्व विशेषत्व उपमातः, छठी चीज है उपमा, उपमा के कारण प्रेम हुआ, आकाश में नील मेघ का दर्शन करके, घनश्याम का दर्शन करके राधा रानी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई, सौंदर्य का दर्शन करके कृष्ण से मिलते जुलते सौंदर्य का दर्शन करके कृष्ण की याद आ गई, सब कहने सुनने की बात, ये मूल बात नहीं है। तत्त्वता वस्तु है स्वभावता, श्री राधिका कृष्ण का स्वभाव ही परस्पर प्रीति करने वाला है। तो छह वस्तुएं जो बताई गई वो केवल लीला के चमत्कार के लिए बताई गई है, तत्त्वता वे कारण नहीं है, मूल कारण तो स्वाभाविक प्रीति ही है। रति आविर्भवे तेषां उत्तमत्वं यथोत्तरम्, श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि छह कारण यद्यपि राधा कृष्ण के प्रेम में बताए गए, अभियोगात विषयतः संबंधात अभिमानतः सात तत्त्व विशेषत्वात और उपमातः, परंतु ये छह मुख्य नहीं है, स्वभावतः सातवां जो कारण है वो ही मुख्य है और वो है स्वाभाविक। छह कारणों में पहले पहले कारण से दूसरा दूसरा कारण ज्यादा श्रेष्ठ है, अभियोग की अपेक्षा श्री कृष्ण के माला इत्यादि विषय, शब्द स्पर्श ये विषय, फिर संबंध, फिर अभिमान, फिर कृष्ण की वस्तु, फिर उपमा, ये क्रम क्रम करके अधिक अधिक प्रेम की तीव्रता को बताने वाली है, परंतु ये मूल वस्तु नहीं है, स्वाभाविक प्रीति ही विराजमान है। तो वो ही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण में यद्यपि गोपियों की प्रीति बराबर दिखती है और युक्ति शत भी लगा लिए जाते हैं, प्रेम का कारण भी ढूंढने का प्रयास किया जाता है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो कहीं कोई वस्तु देखता है तो उसके कारण को ढूंढने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टि का तात्पर्य यह है। आजकल हम वैज्ञानिक किसको कहते हैं कि जहां हम कार्य कारण संबंध स्थापित कर लें उसको तो हम कह देते हैं वैज्ञानिक, और जहां कार्य कारण संबंध नहीं है उसको कहते हैं नहीं नहीं ये मिथ है, माइथोलॉजी है, ये वैज्ञानिक नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि और मिथ दृष्टि, इसमें आजकल की जो परिभाषा है वो ये है, परंतु जिसको हम मिथ कहते हैं, मिथक कहते हैं, जिसको हम माइथोलॉजी कहते हैं, वह तत्वतः उसमें भी कोई ना कोई कारण है, हमको समझ में नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कारण नहीं है। अब न्यूटन ने यदि अमरूद को अपने बगीचे में नीचे आते हुए देखा और उसने कहीं गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम बनाया निकाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पहले अमरूद आकाश में उड़ता था, भाई अमरूद तो हमेशा ही नीचे गुरुत्वाकर्षण की ओर ही आएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर ही आएगा, परंतु हम नहीं पहचान पाए इसलिए हम उसको मिथ कहते रहे, मिथक कहते रहे, परंतु वस्तु में कहीं ना कहीं कारण है ही, और इन ब्रजवासियों में स्वाभाविक रूप में कृष्ण से प्रीति है, इसलिए इसमें मिथक कह करके इसको नहीं छोड़ा जा सकता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं युक्ति शत व्यक्तम मादृशय अनुमन्यते, युक्ति शत के द्वारा अपने आप का समाधान करने का प्रयत्न करता है। तत्रापि प्रेम जो है वो विशेष है, और तदा प्रतीयते कृष्ण अस्येत नितराम प्रियाश्री राधिका प्रभृति सखीगण, उस समय श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया होकर ये विराजमान है, यही सर्वोत्तम वस्तु है, इनमें स्वाभाविक रूप में प्रीति है और लीला शक्ति। अब इन गोपिका इन ब्रजवासियों के उस स्वाभाविक प्रेम को कवि उछाल देने के लिए, उल्लास प्रदान करने के लिए कभी कभी जो अनुसंधान स्थापित करती हैं और कभी कभी लीला को साक्षात दिखा करके
कृत्रिम रूप में दिखा करके उस लीला को, उस भाव को और अधिक सुदीप्त करती हुई भी, ट्रांजिस्ट करती हुई भी, उसको कहीं उसको सुदीप्त करती हुई भी वे विराजमान हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसी प्रसंग में अब काली दमन की लाता पढ़ लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय। श्रीताय गौर हरि गो, अच्युत विष्णु नारायण।